हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? तो जी, उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे। और अभी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी बैंगलोर में भी कोरोना वायरस को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है। स्कूल को भी अब शट डाउन कर दिया गया है। तो ये कुछ दिनों पहले का वीडियो है और फ़िलहाल तो सारे स्कूल्स को शट डाउन कर दिया गया है। स्पेशली अप टू 6th स्टैंडर्ड तक शट डाउन है। 7th के का एग्ज़ाम चल रहा है यहाँ पे, इसलिए एग्ज़ाम के दिनों में उन्हें आना है। एंड देन लेटर मेन वंस दे फिनिश द एग्जामिनेशन, दे कैन गो बैक टू देयर हाउसेस। और अभी जैसे मैंने बताया कि ये कुछ दिनों पहले का वीडियो है, तो यहाँ पे मैं अभी स्कूल से आई हूँ। शाम का वक्त है, मैं आ गई, मेरे बच्चे आ गए और पेरेंट्स के साथ यहाँ पे मैं बातचीत कर रही हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो टाइम अच्छे से स्पेंड कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही कम वक्त मिल पा रहा है मुझे उनके साथ बिताने को। और अभी बस वो बेटे का इंतज़ार कर रहे थे, बेटे को लेकर अभी वो जाएंगे मेरी बहन के घर पे। एंड देवर वेटिंग फॉर माय सन। तो बस अभी शाम में तैयारी कर रहे हैं वो सभी वहाँ जाने की। और कुछ चीज़ें थी उन्हें यहाँ से लेके जाने के लिए, तो सब कुछ लेकर गए हैं जो चीज़ें छूट गई थी। और ये है अब नेक्स्ट डे का ब्लॉग। और अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता, तो नाश्ते में मैं आज स्प्राउट्स खा रही हूँ, उसके बाद कुछ ले लूँगी। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है और किसी भी कोई भी एज के लोग आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे स्प्राउटेड ग्रीन मूंग दाल है एंड उसके साथ कुकुम्बर है, टोमेटो, ग्रीन चिली, लेमन एंड सॉल्ट। तो जब से मेरे पेरेंट यहाँ पे आए हैं, हम बहुत ही खाने पीने में ध्यान दे रहे हैं। वी आर हैविंग हेल्दी फूड, और इसलिए भी क्योंकि दे वो था डायबिटिक पेशेंट और मम्मी को बहुत ज़्यादा उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, अराउंड 400 उनका था। तो वंस दे केम ओवर हेयर आई डिसाइडेड दैट आई शुड लुक आफ्टर देम, स्पेशली आई शुड हैव अ आई ऑन देयर डाइट्स। तो इसलिए उनको जितना भी होता है मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें हेल्दी खाना दूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वो चले गए हैं अभी बहन के घर पे, और कुछ दिनों उनको वहाँ पे वो रहना चाहते थे, लेकिन मैंने नेक्स्ट डे फिर सैटरडे पढ़ा तो मैंने ये डिसाइड किया कि वाई आई शुड नॉट ऑल्सो गो एंड जॉइन देम। तो बस अभी मैं अपना लंच बनाऊँगी अपना और अपनी बेटी का। और लंच में आज बहुत ही सिंपल रेसिपी बना रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरे घर वालों का, मेरे पेरेंट्स को भी बहुत पसंद है, मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला था, उसमें मैंने करी लीव्स ऐड किया, सरसों डाला उसमें, मेन राई जिसे कहते हैं ब्लैक वाला, एंड देन जीरा डाला, एंड उसके बाद ग्रीन चिल्ली, इतना ही टेम्परिंग के लिए देना है। और मैंने अभी साइड भी रख दिया है ताकि वो ठंडा हो जाए। और इस साइड पर मैं यहाँ पर एक पॉमेग्रेनेट को डीसीड कर रही हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, मैं कर्ड राइस बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी डिश है, बहुत ही पसंद आता है हम लोगों को तो, और साथ में जो है पेट के लिए, डाइजेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक अनार लिया है, उसे मैं डीसीड कर दूँगी, तब तक वहाँ तेल भी ठंडा होगा। और साइड में मैंने राइस को चढ़ा लिया था, तो कुक हो चुका है। ध्यान रखिए कि जब आप राइस पकाएं तो थोड़ा सा उसे ओवर कुक कर दें, तो उससे और ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो जैसे मैं बता रही थी कि मैं पेरेंट्स का ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मम्मी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी डायबिटीज को लेकर। तो ये जो डिश है ये भी आप खा सकते हैं, जो भी डायबिटिक के पेशेंट हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा ये डिश होता है। साथ में जो मैंने आपको स्प्राउट्स दिखाया वो, और इस रेसिपी के बाद, इस कर्ड राइस के बाद, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्दी ड्रिंक दिखाने जा रही हूँ, जिसे मैंने अपने पेरेंट्स के डायबिटिक जो शुगर लेवल है उसको मैंने नॉर्मल किया है। तो वो बाद में दिखाती हूँ, उससे पहले आप ये देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आई हैव टेकन कुक्ड राइस एंड देन आई एडेड कर्ड इनटू दैट कर्ड, द क्वांटिटी यू मे ऐड एज पर योर विश। मैं यहाँ पे इतना ही डाल रही हूँ बिकॉज मेरे घर में कर्ड सबको पसंद है, तो आई हैव पोर्ड मोर एंड बस ये मिक्स होगा। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, एज़ पर द टेस्ट आप डालिए उसे। और यहाँ थोड़ा सा मैंने कोथमीर को काट के रखा था, जिसे धनिया पत्ता कहते हैं, वो यहाँ पर मैंने मिला लिया है। तो कुछ लोग तो बहुत ही सिंपल वे में जाते हैं, कुछ इस तरह से भी खा लेते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा और अच्छा करना हो तो आप जैसे मैं कर रही हूँ वो कर ले। तो तेल ठंडा हो गया है, नाउ आई हैव एडेड दैट टेम्परिंग इनटू दैट वन, और इससे एक लुक अच्छा आ जाता है, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और टेस्ट भी अच्छा बढ़ जाता है। ये मैंने आपस में मिला लिया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं आई एम गोइंग टू एड दिस डीसीडेड पॉमग्रेनेट।
और इसके ऐड करते के साथ ही इसका लुक, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिन लोगों ने भी नहीं खाया है, आप ज़रूर से बनाइए, ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी होता है, हेल्दी होता है। मैंने जितना देखा है, बहुत सारे लोगों को कर्ड राइस बनाना नहीं आता है, दे ऐड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो मैं अपने डिशेस को आई जस्ट ट्राई टू कीप इट सिंपल, बहुत ज़्यादा मैं चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ। समबडी ऐड सम दाल इन द टेम्परिंग, समबडी ऐड कैशू, लेकिन मैं इस तरह से रखती हूँ। और हाँ, जब ग्रेप्स मेरे पास अवेलेबल होता है तो मैं ग्रेप्स, ग्रीन ग्रेप्स को हाफ करके इसमें डालती हूँ, उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो यू कैन इमेजिन कि वो कितना अच्छा लगता होगा जब आप इस तरह की चीज़ों को खाएंगे। तो ऑटोमेटिकली इसमें बहुत ज़्यादा कोई स्पाइसेस नहीं ऐड किया हुआ है और इट इज़ फुल ऑफ ऑल हेल्दी न्यूट्रिएंट्स। तो बस मैं इसे अब लंच में, मैंने अभी जस्ट फिनिश किया है लंच, मैंने और मेरी बेटी ने, और हस्बैंड अभी आएंगे तो उनके साथ फिर मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगी। एंड आई हैव कॉल्ड देम, मैंने बता दिया कि मैं आ रही हूँ। अब मैं यहाँ पे वो रेसिपी बताने जा रही हूँ, वो हेल्दी ड्रिंक बताने जा रही हूँ, जिसके वजह से मैंने अपने पेरेंट्स के डायबिटिक लेवल को, शुगर लेवल को 400 से नॉर्मल किया है। मीन आई विल शो द रिपोर्ट ऑल्सो टू यू, जहाँ पे उनका लेवल 129 इस तरह से आया है। तो दे वर वेरी वेरी हैप्पी, और इसे हम लोगों ने अपने अब डेली रूटीन में बना लिया है। तो आपने देखा होगा, मैंने सबसे पहले थोड़ा थोड़ा सा लिया था, कोथमीर लिया है मैंने, और थोड़ा सा धनिया पत्ता, मीन थोड़ा पुदीना लिया है, और साथ में करी लीव्स थोड़ा लिया है। ये बहुत, ये सारी चीज़ें जो है बहुत हेल्थ के लिए अच्छी हैं, तो मैंने इनको ले लिया है। अच्छे से मैं इसे वॉश कर लूँगी 2-3 पानी से। और अगर आप चाहें तो आप करी लीव्स को यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं, मैं करी लीव्स को भी ऐड करती हूँ क्योंकि इनसे किसी चीज़ का नुकसान तो होने वाला है नहीं। और अभी गर्मी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो है ये अच्छा रहेगा, हेल्दी ड्रिंक है ये, हेल्दी कूल ड्रिंक है। तो यहाँ पे मैंने उस चीज़ को ले लिया है, वॉश कर लिया है, साथ ही जो पानी बचा था मैं यहाँ पे पॉट्स में ऐड कर दे रही हूँ। अभी गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है, तो आई जस्ट कीप पोरिंग द वाटर इन टू माई प्लांट, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है। और ये अब सारा कुछ मैंने वॉश करके रख लिया है एक बोल में, और अब मैं यहाँ पे जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो इसमें ऐड करूँगी, जो है आंवला। तो ये आंवला मैं यहाँ पे 3 से 4 ऐड करूँगी, आप आपके हिसाब से आप डालिए। नॉर्मली इसे मुझे खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है अगर मैं रॉ से खाऊं, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि आपके हेल्थ के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके फेशियल ग्लो के लिए, आपके बालों के लिए, और एजिंग में भी आपको हेल्प करता है। मीन इट डज़ नॉट अलाउ यू टू एज फास्ट, तो बहुत सारी चीज़ों को, आँखों के लिए, आपके आई साइट को वीक नहीं होने देता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से, अगर आंवला खाएं तो यू वोंट फील बैड, यू वोंट फील डिफ़िकल्टी टू ईट। तो यहाँ पे मैंने इनको ले लिया है, और बस मैं एक जैसे चटनी बनाते हैं इस तरह से, मैं इसका स्मूथ पेस्ट बना लूँगी विद लिटिल वाटर। तो आप इसे घर में किसी को भी दीजिए, इट डजन हैव एनी साइड इफेक्ट, ये बहुत ही फ़ायदेमंद ड्रिंक है। और ये जस्ट इट मीन ये यकीन की बात है, अगर आप चाहें तो यकीन करें या ना करें, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स के डायबिटिक लेवल को मैंने इसे रिड्यूस किया है। दैट्स वाई आई फील दैट आई शुड शेयर विद यू टू, जिन्हें भी है तो आप इसे ज़रूर पिए, रेगुलरली इसे पिए। और अगर आपके पास आंवला नहीं होता है, नहीं मिलता है, तो जब भी सीज़न आए तो उसे आप स्मॉल चंक्स में बनाकर ड्राई करके अपने फ्रीज़र में रखें, और फिर रात में उसे फुला दें, और सुबह में इस तरह से मिलाकर पीस दें। तो यहाँ पे ये एक चटनी के फॉर्म में तैयार हो गया है, मैंने इसे एक बोल में डाल लिया है, और अब मैं इसमें अच्छा खासा पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि इट शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ अ ड्रिंक। तो यहाँ जितना मुझे पानी चाहिए मैं उसमें यहाँ पे ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, और साथ ही साथ मैं इसमें लेमन स्क्वीज़ करूँगी, हाफ लेमन। तो आप इसे टेस्ट जो है लेमन डालने से और ज़्यादा बढ़ जाता है, और लेमन जो है इट कंटेन्स एस्कॉर्बिक एसिड, इट हैज़ अ वाइटामिन सी, तो वो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो दिस ऑल आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। और ये अब कुछ इस तरह का ये लिक्विड बनकर तैयार हो गया है। नाउ अ लॉट ऑफ फाइबर्स विल बी देयर, फाइबर चंक्स विल बी देयर इन दिस वाटर, सो नाउ आई विल पोर इट।
सो दैट इट विल बी इट विल लुक लाइक अ नॉर्मल ड्रिंक एंड यू कैन ईजली ड्रिंक इट. तो यहाँ पे मैं इसे अच्छा अच्छे से स्ट्रेन आउट कर लूँगी और जो बच जाता है लेफ्ट आउट जो बचता है मैं उसे किसी भी जब मैं कोई मसाला तैयार करती हूँ तो उसमें उसे साथ ही से ग्राइंड कर लेती हूँ और वो थोड़ा सा उससे भी उसका टेस्ट चेंज हो जाता है. तो आई डोंट डिस्कार्ड दिस वन. वेन एवर आई गेट अ चांस टू पुट इन टू एनी करीज आई जस्ट एड इट. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना सारा ड्रिंक बनकर तैयार हो गया है. अब मैंने यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को देने के लिए और देख सकते हैं कि यहाँ पे चार लोगों के लिए, चार से पांच लोगों के लिए आराम से ये ड्रिंक बनकर तैयार हो गया है बहुत ही कम रुपए में. तो बस इस तरह से ही मैंने अपने पेरेंट्स के शुगर लेवल को कम किया है. और अगर आपको किसी भी तरह से ये फ़ायदेमंद लगता है तो आप प्लीज़ ऐसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करें. तो हस्बैंड भी आ चुके हैं और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ. मैंने यहाँ पे अपने पेरेंट्स के लिए ड्रिंक बनाकर रेडी कर दिया है. बस मैं इसे लेकर जाऊँगी और आज सैटरडे है तो मेरा इरादा है कि मैं संडे की शाम में आऊँ और साथ में अपने पेरेंट्स को भी लेकर आ जाऊँ. तो बस मैं यहाँ पे रेडी होकर निकल रही हूँ. शाम होती जा रही है और हम अभी वी आर ऑन द वे. और यहाँ से बहन का घर जो है अराउंड 45 मिनट्स के डिस्टेंस पे है. तो मीन कि मे बी 7:30 हो जाएगा हम लोग को पहुँचते पहुँचते, क्योंकि काफ़ी हम लेट हो चुके हैं. यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ों को लेके जाना था मुझे वहाँ पे जो उनका छूट गया था और फिर एक दिन में मुझे फिर वापस भी आना है. तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे बंद करती हूँ. आई होप कि आपको मेरा ये आज का वीडियो ज़रूर ज़रूर पसंद आया होगा और किसी भी तरह से अगर आपको ये बेनिफिशियल लगा होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें. तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.